बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को मैदान में उतार कर सबको हैरान कर दिया। अब ऐसा क्यों किया गया? बीजेपी ने मानो अपना मन बना लिया है कि इस बार शिवराज को सीएम नहीं बनाया जाएगा। दरअसल बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इन दिग्गज नेताओं को इसलिए उतारा है ताकि जिन सीटों पर बीजेपी को पिछली बार सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, वहां अपनी पकड़ बना सके। साथ ही शिवराज सिंह चौहान पर अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये क्लियर कर दिया था कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला बीजेपी खुद करेगी। इसके साथ ही कई बड़े नामों को एक साथ मैदान में उतार कर भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए मुकाबला एकदम खुला कर दिया है। तोमर, विजय वर्गीय और पटेल जैसे पुराने नेताओं के चुनाव लड़ने से भाजपा को तय सीटों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर हैं और ग्वालियर चंबल बेल्ट के कद्दावर नेता माने जाते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल भी मध्य प्रदेश के बड़े ओबीसी नेता हैं, जो लोधी राजपूत समुदाय से आते हैं। इनके चुनाव लड़ने से आसपास की लगभग 1 दर्जन सीटों पर असर पड़ेगा। साथ ही मध्य प्रदेश की 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और 100 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी वोटर हार जीत का फैसला करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह पर भाजपा ने भरोसा जताया है, क्योंकि ये दोनों नेता भी एक आदिवासी नेता हैं, जिनकी अपने समाज में अच्छी पकड़ है, जिसकी बदौलत ये दोनों नेता कमजोर सीटों पर जीत का परचम लहराने में कारगर साबित होंगे। इसके अलावा इनमें से 5 नेता जैसे कि विजय वर्गीय, तोमर, पटेल, राकेश और गणेश अपने बेटे या रिश्तेदारों के लिए दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में जो पार्टी परिवारवाद को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई हो, उस पर जब खुद परिवारवादी होने के आरोप लगेंगे तो चुनावों में इसका नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने इन नेताओं के बेटे या रिश्तेदारों की जगह इन्हीं नेताओं को ही उम्मीदवार बना दिया। खैर, इतना सबके बाद भी मध्य प्रदेश का चुनाव एक तरफा नहीं होगा। इस बारी यहां आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।